राधे राधे दोस्तों, ये देखिए मंदिर में आज अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में भजन कीर्तन हुए थे और अब ये भजन कीर्तन आरती समापन हो चुका है, जो कि मैंने आपको लाइव दिखाया था। और अब आप देखिए कि भोग लग रहा है भगवान जी का, हमारे बांके बिहारी का और राधा रानी का, और इनका पूजा हुई है, इनके दर्शन बड़े नसीब वालों को मिलते हैं। तो मंदिर में आज सभी लोगों ने, सभी भक्तों ने राधा रानी के चरणों के भी दर्शन किए और उसके बाद भोग प्रसाद भी वितरण हुआ। और ये देखिए पूरे मंदिर में और सभी को दिखाते, ये हमारी माता रानी है, इनकी आरती तो आप अक्सर देखते ही हैं, मैं जब भी मौका लगता हो आपको आरती में ज़रूर शामिल कर लेती हूँ। ये मंदिर में देखिए भक्तगण इकट्ठे हो गए हैं, बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं रखा था, बस जो रोज आने वाले लोग थे उन्हीं में आपस में कर लिया था प्रोग्राम। और ये देखिए हमारी माताएं बहनें सब एकत्रित हुई हैं, बच्चे भी आए हैं, सब अपने बच्चों के साथ आनंद से आए, सबको बहुत अच्छा लगता है मंदिर प्रांगण में। और अभी देखिए मंदिर में माता रानी के दर्शन कीजिए, काली माता के, ये हमारे मंदिर की काली माता हैं, सबके संकट हरती हैं। और ये देखिए भोले बाबा 12 ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि अब गर्मी आ गई है तो अब इसलिए मटकी रख दी जाती है गर्मियों में। और ये देखिए प्रसाद वितरण हो रहा है, ये सभी लोग प्रसाद में, ये खरबूजा है क्योंकि सीजन पर खरबूजा चल रहा है, और सत्तू, आज के दिन सत्तू का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, आप सत्तू बांटें, सत्तू खाएं, सत्तू दान करें। तो मंदिर में सत्तू बूरा मिलाकर ही बांटे जा रहे हैं, पहले सोचा था कि इनको वैसा करेंगे, फिर इनको गीला नहीं किया, उन्हें घर जाके आराम से सभी लोग अपना उनको अच्छे से घोल के खा सकेंगे, तो इसलिए सूखा बूरा मिला के ही बट रहा है। तो आप लोगों को सत्तू ज़रूर खाइए, आज थोड़ा सा ही खाएं, पर आज सत्तू खाना शुभ होता है, दान करना शुभ होता है और भगवान जी को भी भोग लगाएं सत्तू पर। तो एक बार फिर से आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं, राधे राधे।